जय बाबा की। देखिए, बहुत दिनों के बाद फिर एक नई वीडियो आप लोगों के बीच में, बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा से और बाबा की कृपा से अब शायद रेगुलर आपके पास मैं समस्याओं के समाधान के लिए वीडियो बना पाऊंगा और चीज़ें बता पाऊंगा। तो आज ये जो वीडियो बना रही है, ये बन रही है कि जैसे कि बहुत सारे बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास और वो बोलते हैं कि जी हम पे किसी ने किया करा है, हमें शक है। जहाँ शक वाली बात आती है ना, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जहाँ शक वाली बात आती है। बहुत सारे वो लोग बोलते हैं हमने दिखाया जी इसको, उसने बताया कि ये किया कराया है, या हमें शक है हमारा काम धंधा बिल्कुल टूट गया है, या हम लोग बीमार होने लगे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जहाँ जो शक वाली बात आती है, अगर किसी भी हद से शक है आपको कि आपके ऊपर किसी ने कुछ भी किया कराया है या कोई भी समस्या आपको लग रही है, तो आज ये एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय कर दो, शक यकीन में बदल जाएगा या तो ख़त्म हो जाएगा, इसे क्लियर हो जाएगा, शक नहीं रहेगा। मतलब कुल मिलाकर बात, या तो क्लियर हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि यूट्यूब इस चैनल को आप जैसे हर भक्त तक पहुँचाए। और जो पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि जब भी आप किसी को फ़ोन करोगे वो आपसे पैसा मांगेगा, चेला गोरख का आपसे पैसा नहीं लेता है। तो जो पैसे नहीं दे सकते, जो गरीब हैं, जो ये सोचते हैं कि बस कैसे ही करके उनके परिवार को छुटकारा मिल जाए इन सब उल्टी सीधी हरकतों से, उनके लिए चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जाहरवीर महाराज की, जय धाम आहार की, जय बागड़ की सरकार की, जय जय मेरी श्री बाबा महाराज तेरी सदाई हो। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को शक होता है अपने ऊपर कि भाई मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया, मेरे घर के ऊपर किसी ने कुछ क्रिया कराया कर दिया, या कोई उतरन सुकुन कर दिया, कोई क्रिया कर दी है, हमें नुकसान हो रहा है व्यापार में, हमें नुकसान हो रहा है स्वास्थ्य में, हमें नुकसान हो रहा है पैसे में, या हमें नुकसान हो रहा है इज्जत में, तो उनके लिए ये है। तो मैं आपको बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, जल्दी से नोट कर ले। यानी उपाय जब भी बताऊँ ना, आप प्लीज़ ध्यान से सुना कीजिए उस उपाय को, ध्यान से किया कीजिए। तो उपाय मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहला उपाय, मतलब ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ ये आप सुन लीजिए। आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी चीनी या थोड़ी सी बूरा लेनी है, या तो बूरा मिल जाती है गांव बस्ती में मिल जाती है बूरा, आपको आराम से पंसारी दुकान मिल जाएगी, मीठी होती है बूरा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। या आप चीनी ले सकते हैं, अगर बूरा नहीं मिल रही तो आप चीनी ले सकते हैं, ठीक है, आपको वो लेना है। और थोड़ी सी आपको हवन सामग्री, आपको बजे प्यार से बाजारों में मिल जाएगी, पूजा की दुकानों में मिल जाएगी, हवन सामग्री लेनी है। तो हवन सामग्री में थोड़ी सी चीनी डाल लेनी है आपको, ठीक है, हवन सामग्री में थोड़ी सी चीनी डाल लेनी है आपको। और इस ये हवन सामग्री थोड़ी सी चीनी डाल के उसको अच्छे से मिला, ऐसे 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 करके मिला देना उसको। जब वो मिल जाए तो आपको ना वहाँ पर एक छोटा सा काम करना है, वो छोटा सा काम क्या करना है, उसको एक कटोरी में या जिसमें भी आप ले रहे हैं उस कटोरी को लेके पूरे घर में घुमाना है, पूरे घर में घुमाना, पूरे घर में कोई जगह छूट ना जाए, हर जगह जहाँ आप जा सकते हैं आपका हाथ जा सकता है उसको कटोरी को पूरे घर में घुमाना है, ठीक है, घुमा लिया। उसके बाद अपनी पूजा का स्थान, जहाँ भी आप पूजा का स्थान है वहाँ पे आना है, उस कटोरी को उस पूजा घर में रखना है। और अपने इष्ट देव को, देखो मैं बाबा गुरु गोरखनाथ की बात करता हूँ, पर बहुत सारे लोग हैं जो शायद गुरु गोरखनाथ जी को नहीं मानते हैं, तो जिसको भी मानते हैं, जो भी उनका इष्ट देव हो, उन इष्ट देव को वो याद करें, और याद करके उनको केवल एक ही मंत्र बोलना है, 5 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्री इष्ट देवाय नमो नमः, 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 ओम श्री इष्ट देवाय नमो नमः। और 5 बार इस मंत्र का जाप करके जो आपने वो जो कटोरी रखी थी उसमें ऐसे उंगली को घुमा लेना है थोड़ा सा घुमा के, और फिर बाबा से प्रार्थना करनी कि हे मेरे महाराज, ये जो आपकी सामग्री है, जो भी हम पे किया कराया है, उल्टी सीधी हरकतें हैं, जो भी तांत्रिक क्रिया है, जो भी इस घर में नेगेटिविटी है, वो उसको खींच के इसके अंदर कैद कर दीजिए। और ऐसा कह के फिर आपको एक बार फिर से पूरे घर में वो जो सामग्री आपने बनाई थी उसको पूरे घर में घुमाना है, ठीक है, एक बार पहले घुमाना है, एक बार प्रार्थना मंत्र बोल कर प्रार्थना करने के बाद फिर पूरे घर में घुमाना है। घुमाने के बाद अब इसको क्या करेंगे कि आप इसको जो आपने अब घुमा दी है, इसको किसी भी वीरान जगह में, वीरान जैसे कि कहीं मैदान वगैरह पड़ा हो, जंगल का एरिया आ रहा हो, या जैसे बहुत सारे अब जो शहरों में रहते हैं उनके लिए समस्या हो जाती है कि जंगल का एरिया कहाँ से लाएं, तो जो शहरों में रहते हैं उनके जो बाहर में बहुत उल्टे सीधे पार्क पड़े होते हैं, जो ज़मीनें पड़ी होती हैं, खाली ज़मीनें पड़ी होती हैं, जब पार्क पड़े होते हैं, तो कहीं भी जाके एक
ठीक ठाक सा गड्ढा खोद के ठीक ठाक सा उसमें वो पूरी सामग्री को ऐसे एज इट इज डाल देना है और डाल के उसको जो है जो अब याद रखेगा जो जिस पात्र में आपने ये लिया था वो भी वहीं छोड़ के आना है, मतलब उस पात्र को भी लेके आना है, चाहे कटोरी हो चाहे प्लेट हो चाहे तो डोना ले लो, अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आप डोना ले सकते हैं, डोने मिलते हैं डोने में रखेंगे, डोना वहीं फेंके हैं उसको वहीं फेंक के आ जाना है, ठीक है। और जब आप उसको दबा उसको जो है गड्ढे में डाल के उसको दबा देना वापस, मिट्टी को भर देना, गड्ढे को भर देना, और गड्ढे को भरने के बाद वहाँ से निकले और फिर पीछे मुड़ के ना देखें, कोशिश कीजिएगा किसी से बात भी ना करें रास्ते में, सीधा आएं घर आएं, हाथ मुंह धोएं, हाथ मुंह धोने के बाद अपने मंदिर में जाएं, इष्ट देव को फिर से एक बार प्रणाम करें, प्रणाम करके उनसे फिर प्रार्थना करें कि जो भी ऊपरी शुभित आंतरिक क्रिया किया कराया है वो सब खत्म हो जाए, हमें किसी तरह की कोई शक ना रहे, कोई शुभा ना रहे, ऐसे फिर से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद एक गंगा जल आपके घर में होता है उस गंगा जल को पूरे घर में छिड़कना है चारों तरफ, ठीक है, गंगा जल को पूरे घर में छिड़कना है और बाबा का नाम लेना है, हो गया आपका काम, ठीक है। मैं आपको जो उपाय बताता हूँ इतने आसान उपाय बताता हूँ जिससे कि आपको आराम से आप खुद से कर सकें और बिना पैसे खर्च किए आप जो है अपनी चीज़ों को कामयाब कर सकें, ठीक है। बस आप सभी से एक ही प्रार्थना रहती है मेरी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें, क्यों, क्योंकि ये ऐप जैसे जो ज़रूरतमंद भक्त हैं उन तक तभी पहुंचेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शेयर होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नाम के नीचे आता है ना लाल बटन, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरी प्रार्थना रहती है आपसे, और बाबा महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। जय जय श्री सिद्धनाथ, जय जय बाबा महाराज।